स्वागत और इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से है, जहां बरेली में दबंगों की दबंगई सामने आई है। बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां बरेली में दबंगों की दबंगई सामने आई है। बरेली में वीडियो में आपको फायरिंग युवक कर रहा है, वीडियो में बीच बाजार फायरिंग करता हुआ युवक नजर आ रहा है, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आसपास लोगों में आक्रोश है, तो बरादरी थाना क्षेत्र का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। तमंचे के साथ फायरिंग करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां बरेली में दबंगों की दबंगई सामने आई है। वीडियो में सरेआम मारपीट और फायरिंग युवक कर रहा है, तो वीडियो में बीच बाजार फायरिंग कर रहा है युवक। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आसपास के जो लोग हैं उनमें आक्रोश है। बरादरी थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है, तमंचे के साथ फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये वीडियो सामने आया, जहां आप देख सकते हैं बरेली का, जहां बीच बाजार दबंग जो है वो फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये वीडियो भी सामने आया है। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है और इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। बरादरी थाना क्षेत्र का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह दबंग खुलेआम दबंगई करते हुए तमंचे से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शशांक राठौर जुड़ चुके हैं। शशांक, बरेली में दबंगों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग बीच बाजार में फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस वीडियो के आधार पर क्या कुछ अभी तक पुलिस की कार्रवाई हुई है और आखिर कौन थे ये आरोपी? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जो थाना बारादरी के छंदे नगर इलाके का है, जहां पे अवैध असला लेकर हवाई फायरिंग कर रहा है युवक, जिसके कारण क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। फायरिंग का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और क्षेत्रीय पुलिस ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। होली से पहले इस तरह की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है, कभी भी बड़ी घटना दस्तक दे सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मामले में बरेली पुलिस का कहना है कि प्रकरण में संबंधित में प्रभारी निरीक्षक बारादरी को त्वरित प्रभारी विधिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। जी, अगर बात करें शशांक, तो आने वाले वक्त में कई महत्वपूर्ण त्योहार भी हैं, ऐसे में त्योहार से पहले इस तरह से दबंगई का वीडियो सामने आना कहीं ना कहीं लोगों के त्योहार में भी रंग में भंग डालने का काम कर सकता है, क्योंकि इससे जो दबंग है उनके हौसले बुलंद हो सकते हैं अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो। साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ के भी आदेश है, मुख्यमंत्री के आदेश है कि इस तरीके की कोई भी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी यूपी में, और जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी घटना को दर्शक देने का भी काम कर सकता है। जिस तरीके से त्योहार एक के बाद एक इस समय यूपी में मनाए जाने वाले हैं, तो पुलिस तुरंत कार्रवाई में लगी हुई है और ऐसे युवक को इसकी खोजबीन हो रही है और जल्द ही उस पर कार्रवाई करके पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जी शशांक, धन्यवाद आपको इस पर जानकारी के लिए। तो ये वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बीच बाजार में जो दबंग है वो तमंचे से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब पुलिस देखने वाली बात होगी कि कब तक इस मुख्य आरोपी तक पहुंचती और उसको गिरफ्तार करती है, क्योंकि आने वाले वक्त में कई त्योहार हैं बड़े और ऐसे में इस तरह का वीडियो सामने आना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है।